कर्नाटक में बेल्लारी, शिवमोगा और मंड्या लोकसभा सीट पर मतदान जारी। रामनगर और जावखंडी विधानसभा सीट के लिए भी वोटिंग। दांव पर 31 उम्मीदवारों की किस्मत, नतीजों का ऐलान 6 नवंबर को। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच जारी। निर्वाचन आयोग का मिजोरम सरकार को चुनाव प्रक्रिया में दखल देने के आरोप में प्रधान सचिव स्तर के एक अधिकारी को हटाने का निर्देश। मिजो नेशनल फ्रंट के घोषणा पत्र में कई लोक लुभावन वादे। हरिद्वार में दो दिन तक चलने वाले ज्ञान कुंभ का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया शुभारंभ। कहा, ज्ञान के साथ साथ संस्कारों के बीज बोना शिक्षकों की जिम्मेदारी। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के 3 स्तंभ, शिक्षक, प्रबंधन और छात्र। इक्कीस साल बाद भारत का पहला उच्च स्तरीय जिम्बाब्वे दौरा। उपराष्ट्रपति और जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता आज। खनन, आईटी समेत कई क्षेत्रों में सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर की उम्मीद। उत्तर कोरिया की अमेरिका को चेतावनी, आर्थिक प्रतिबंधों को नहीं हटाने पर दी फिर से परमाणु नीति को मजबूत करने की धमकी। वॉशिंगटन पर कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता को पटरी से उतारने का लगाया आरोप।